जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो? तो स्वागत है आप सभी का यूट्यूबर लवेश के एक और एक नए फ्रेश व्लॉग में। तो यहाँ पे भाई लोग, सबसे पहले तो आप लोग बताओ ये अभी चश्मा कैसा लग रहा है। अगर आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग में देखा रहेगा तो उसमें दोस्तों मैंने व्हाइट कलर का चश्मा पहना था, जो कि मुझ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं जाके दुकान वाले से चेंज करवा के आया और अभी दोस्तों मैंने ये ब्लैक फ्रेम में अपने हाई बॉर्डर्स वाला चश्मा लिया है। और बताओ भाई अभी ये कैसा लग रहा है लुक में? मेरे को तो पर्सनली ये लुक में अच्छा लग रहा है और इसका फिट एंड फिनिश भी बहुत ही अच्छा है। बाकी दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा पिछला व्लॉग नहीं देखा होगा कार सर्विस का, तो वो जाके देखो। अगर आप वो वाला व्लॉग देखोगे उसके बाद ही दोस्तों आपको मेरा आज का व्लॉग समझ आएगा। यहाँ पे दोस्तों पिछले हफ्ते में अपना कार का सर्विस कराने गया था, वहाँ पे दोस्तों मेरी गाड़ी की सर्विस कंप्लीट नहीं हो पाई सिर्फ एक पार्ट के वजह से। यहाँ पे दोस्तों आपको पता है डस्टर गाड़ी बंद हो गई है और इसके पार्ट्स जो है महंगे मिलते हैं और बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट के वजह से मेरी जो सर्विस है वो कंप्लीट नहीं हो पाई। अभी जाके दोस्तों मेरे को ये पार्ट मिल गया है और भाई भले लेट मिला है पर क्वालिटी वाला मिला है भाई, सही है भाई, हिटैची कंपनी का है। तो यहाँ पे दोस्तों ये पार्ट अभी मेरे को मिल चुका है फाइनली और अभी जा रहा हूँ मैं अपने कार का ये वाला पार्ट लगाने। यहाँ पे दोस्तों सिर्फ ये पार्ट के वजह से मेरी जो गाड़ी है इतने ज़्यादा झटके मार रही है ना कि क्या बताऊँ। इतने झटके तो आपको दोस्तों घोड़े पे नहीं मिलेंगे जितने झटके अभी मेरा ये हाथ ही दे रहा है मेरे को। तो भाई अभी जा रहा हूँ गाड़ी का बचा कुचा काम करवा रहा हूँ, मेरा दोस्त भी आने वाला है, दोस्त अपना खास है वही पुराना वाला, उससे भी मिलेंगे। तो आपके भाई ने भाई यहाँ पे फुल दोनों गाड़ियों का अरेंजमेंट करके रखा है। कार की तो सर्विस हो गई है, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर सब चेंज हो गया है। अभी अपना ये पार्ट लगने का है बस। उसके साथ में दोस्तों ये गाड़ी का इंजन ऑयल नहीं है भाई, कार का नहीं है, ये बाइक का इंजन ऑयल है। देखो बाइक भी बना हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे बाइक का इंजन ऑयल भी आ गया है, तो थोड़े दिनों में आपको मेरी यूनिकॉर्न भी सर्विस होते हुए दिख जाएगी। फिर उसके बाद हम थोड़े बड़े राइड्स मारेंगे यूनिकॉर्न पे ही। जी हाँ, यहाँ पे भाई देखो महंगा वाला है 100% सिंथेटिक। ये दोस्तों लगभग अभी क्या बताऊँ 1000 रुपये का तेल है। मेरे गाड़ी में सिर्फ 300 रुपये वाला ऑयल डलता है पर मैं अपने गाड़ी में 1000 वाला ऑयल डलवा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों फिर सीधा 5 से 6000 किलोमीटर के बाद इसको चेंज करने का ज़रूरत पड़ेगा। तो सस्ता वाला डाल के 2000 किलोमीटर पर चेंज कराओ या महंगा वाला डाल के एक ही बार में 6000 किलोमीटर तक चलाओ, बात दोस्तों घूम फिर के एक ही हो जाती है। तो भाई लोग आ गए यहाँ पे अभी हम अपना जाने को सर्विस सेंटर। बस गाइस ये बार मेरा वो छोटा सा पार्ट चेंज हो जाए तो मेरी गाड़ी यार अच्छे से चले फिर। तो यहाँ पे अभी आपका भाई जो है फुल प्रोफेशनल राइडर हो गया है, ड्राइवर हो गया है। देखो भाई एक हाथ से गाड़ी चला रहा है और एक हाथ से गियर चेंज कर रहा है अभी। तो ऐसे सपोर्ट के लिए भाई शुक्रिया आप सभी का। तो अभी जा रहे बस हम सर्विस सेंटर। रास्ता तो भाई मेरे को याद हो गया है, पिछली बार जब मैं जे के साथ आया था उस वक्त गूगल मैप खोला था, अभी मेरे को थोड़ा बहुत याद है। और ये बार अपना जे भाई नहीं है, ये बार है अपने साथ करण भाई। करण भाई अपना न्यू लुक लेके आए यहाँ पे। हाँ वो तो बात है। कहाँ से? एक वीरा से लिए टोपी। हाँ एक वीरा से लिए। मस्त लग रही है, मस्त लग रही है, मस्त। अपना जचेगा नहीं तो फिर मतलब काहे का है यार। अपने को यार, अपने को भी एक वीरा जाने का यार, एक बार जाएंगे ना भाई, जल्दी जाने वाले यहाँ पे फुल। और अभी तो बस गाड़ी अपनी सर्विस हो जाए, अच्छा एवरेज दे 15-16 का, तो कार में निकल जाएंगे फिर, अगर एक वीरा आई ने बुलाया तो। बाकी भाई लोग यहाँ पे बताओ कैसा लग रहा है चश्मा और पाजी पे कैसी लग रही है टोपी? पाजी फुल तिलक विलक मार के कट्टर हिंदू बन के घूम रहे हैं। हाँ घूमो ऐसा कि चार लोग देख के अपना गर्दन नीचे कर दे। हाँ पाजी बराबर घूमो ऐसा। तो बताओ भाई लोग ये डेनिम का अपना सस्ता वाला शर्ट कैसा लग रहा है? लगभग मैंने 300 रुपये में खरीदा था अपना फैशन स्ट्रीट से। लुक में ओरिजिनल डेनिम है, थोड़ा पहनने में बस फर्क पड़ता है, पर अगर दूसरे इंसान देखेगा ना तो उसको लगेगा भाई ओरिजिनल डेनिम है ना। बाकी यहाँ पे डेनिम का लिया है मैंने, नीचे ग्रीन जीन्स है और ब्लैक जीन्स है अपनी। बाकी भाई लोग अभी मेरा एक थोड़ा सा मतलब कैसे थोड़ा मेरा एम है कि हर एक कलर के रंगीन कपड़े मैं अपने पास रखूं। यहाँ पे दोस्तों लगभग सब कलर के कपड़े मेरे पास हैं, बस मेरे को अभी पिंक कलर के कपड़े चाहिए, पिंक कलर की जीन्स चाहिए और पिंक कलर का ऊपर का अपर चाहिए। अगर वो मिल गया ना तो मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा भाई। मेरे पास ऑरेंज कलर के कपड़े भी है, वाइट कलर के भी है, ब्लैक कलर के भी है, ग्रीन कलर के भी है ना, बस अभी पिंक कलर का जुगाड़ करने का किधर से। तो यहाँ पे सर अभी ये कितने का है वैसे पूरा ये टैब स्कैनर? हर 3 महीने में अपडेट मारना पड़ता है, टैब तो नॉर्मली है
टैब नॉर्मल है, बस वो जो डिवाइस है डिवाइस में उसको अपडेट करना पड़ता है। 10,000 रुपये, 10,000 रुपये का हर महीने? जैसे जैसे नया नया गाड़ी लॉन्च होता है तो नया नया सिस्टम आता है ना। ओके हाँ, 5 का एड्रेस दे रही है, 5-6 का ही दे रही है अभी। हाँ तो ये गया हुआ है ना, ये सब डालना पड़ेगा ना आपको। क्या क्या? इंजेक्टर, स्पार्क प्लग जो भी रहेगा ना, सब डालने के बाद फर्क दिखेगा ना मेरे को। सब दिखेगा ना कि गाड़ी का जब एवरेज मिलेगा और रनिंग पे मिलेगा ना, जो हर चीज़ बराबर वर्क करेगी। तो या अपना इसमें दिखा रहा कम है, डेटा ज़्यादा होगा एवरेज, ऐसा होता है क्या? इसमें दिखा रहा कम है वो डेटा ज़्यादा होगा एवरेज, ऐसा नहीं होता सिस्टम तो ना। ओके तो भाई लोग अभी भी गाड़ी दे रही है, सिर्फ अपना दिखाता हूँ 5.4 का एवरेज, मतलब फॉर्चुनर वाला डस्टर लेके रहेगा। तो ठीक है, यहाँ पे अपना न्यू इग्निशन कॉइल बैठ गया अंदर। भाई यही भाई ने काम किया जो उस दिन पूरा गाड़ी का काम जिन्होंने संभाला था। भाई तुम्हारा नाम भूल गया, क्या नाम है तुम्हारा? विपिन। विपिन? हाँ विपिन नाम है भाई का। अपना एक कॉइल निकालो, अभी इसका निकालो एक बार, वो इसका चेक करो। हार को निकाल दिया कॉइल का, वो काम कर रहा है ना, बंद नहीं हुआ, ये बंद नहीं हुआ, बंद नहीं काम करेगा, काम करेगा तो काम। और एक बार इसका निकालो बस, पिछली बार निकाले तो बंद हो जा रहा था वो। हाँ, कितना साइलेंट हो गया ये देखो बस। हाँ और स्पार्क प्लग भी इसका ही खराब है ना अपना। हाँ, अपना दो नंबर का अपना WD-40 मार के स्पार्क प्लग नहीं निकलेगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। मैं लाया था WD-40 अपने साथ, खोलना पड़ेगा टूट जाएगा। अभी चला, अभी फर्क आएगा ना, अभी कुछ ना कुछ ये अपना खराब वाला है ना। चलो ठीक है ना, हो गया काम ना। चलो भाई, चलो काका शुक्रिया। तो देखो भाई, हमने BMW के ऑफिशियल शोरूम से अपना काम कराया गाड़ी का। देखो भाई, यहाँ पे भी BMW, इधर भी BMW, पीछे वो M3 है ना, उधर भी अपना BMW M3 है, और एक और है क्या, 3 है ना, एक 4 BMW भाई, और यहाँ पे क्रूज खोल के रखा है भाई ने एक उधर में। तो सही है भाई, अंकल हुशार है हमारे, ये दोनों अंकल हुशार है। तो भाई लोग, यहाँ पे जो है मेरी कार हो गई है अभी सेट एकदम क्लियर। पाजी बता कितनी देर में उसने काम करके दिया? कम से कम 5 सेकंड लगा रहेगा मेरे अंदर जैसे। लगभग 5 मिनट लगा रहेगा, 5 मिनट में काम हो गया यहाँ पे गाड़ी का। और अभी गाड़ी भाई सच्ची में बाप चल रही है, सच्ची में। बस वो एक इग्निशन कॉइल का इशू था, अभी भी एक स्पार्क प्लग पुराना वाला खराब है जो कि अटक गया अंदर। चलो उसके वजह से फिर भी थोड़ा कम इशू दे रहे हैं, पर वो एक इग्निशन कॉइल का इशू था, अभी वो चेंज किया है ना, गाड़ी जबरदस्त चल रही है भाई, मज़ा आ रहा है अपना। अभी आज नहीं तो कल मैं स्पार्क प्लग का भी काम करवा दूंगा। कौन है ये हॉर्न बजा रहे? माइला ब्लॉक खराब कर रहे मेरा। तो भाई लोग, यहाँ पे भी गाड़ी जबरदस्त चल रही है, और अभी जा रहा हूँ मैं अपने दोस्त प्रेम के पास। जैसे कि आप लोग जानते हो अपने कितने भाई है यार, एक पाजी है, एक प्रेम है, और एक अपना निखिल है, बस ये 3 ही अपने भाई लोग हैं यार बस। तो ठीक है भाई लोग, यहाँ पे जो है गाड़ी का काम हो गया, उस दिन फुल सर्विस की थी। उसके बाद मेरा एक इग्निशन कॉइल का पार्ट नहीं मिल रहा था जिस तरीके से मैंने आपको बताया, तो वो पार्ट मैंने लगवा दिया। अभी जो है गाड़ी फुल लापचिक चल रही है, अभी थोड़ा और एक दो दिन गाड़ी चलाऊंगा, गाड़ी का एवरेज निकालूंगा, देखूंगा लास्ट एवरेज गाड़ी कितना तलक दे रही है। अभी तो 6 तक आई थी यह गाड़ी, पर इतना चली नहीं इसके लिए ट्रैफिक में ही। मेरे हिसाब से अगर वो अपना स्पार्क प्लग का भी एक काम हो गया ना जो उसमें अटका हुआ है, तो गाड़ी मेरी और अच्छी चलेगी। अभी भी बहुत अच्छी चल रही है, पर मेरे हिसाब से और इम्प्रूवमेंट हो सकता है। बाकी यहाँ पे हमारा नैतिक अभी 1000 बन के बैठ घूमा है। नैतिक दिखा फुल लुक, दिखा उठना। अरे कुछ नहीं भाई, तू छोटा है अभी, छोटा बच्चा है अभी। ये मुंह पिंक क्यों हो गया, क्या है ये? बुड्ढी बाल, बुड्ढी के बाल भाई, जवान के बाल खा, बुड्ढी के बाल क्यों खा रहे? देखो गाइस, बुड्ढी के बाल खा रहे, मैंने उसको बोला कि जवान के बाल खा। अरे यार, तो पीछे मेरा दोस्त रुका है, उसको 5 नंबर अभी मेरे को बाइक पे छोड़ के आने गए, उसका ही फोन आ रहा है, देखो कट हो गया उठाने के चक्कर में। तो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ नैतिक का फुल लुक। ओ भागा, ओ भागा। भागा वो क्या पाजी, फोन पे फोन करता है मेरा। चला चला पाजी, फोन पे फोन करता है यार पाजी, पानी तो पियो यार। 2 मिनट हुआ, बेचारा बच्चा कहाँ चला गया, थक गया यार, पानी तो पिए वो। आई अभी यूनिकॉर्न निकलेगी। तो यहाँ पे अभी करण पाजी को घर छोड़ने को आ गए हम। पाजी बता, अभी कितना दूर है तेरा और घर? बस हमारे 1 किलोमीटर बस, उज्जैन से नजदीक। चल पाजी, चलो भाई, बाय, भलो मिलते हैं भाई, वन साइड, बहुत टाइम हो गया। तो
तो भाई लोग यहाँ पे जो है वो करण पाजी को मैं छोड़ के आया घर पे, और अभी जैसे ही इसको घर पे छोड़ के आया ये पागल मेरे को मिल गया, ये हरामी मेरे को मिल गया। अभी जिधर मैं उसको छोड़ के आया हूँ ना, फिर से हम उधर ही जा रहे इसकी गाड़ी वॉश करवाने, क्योंकि कल है भाई का बर्थडे, अब इसका बर्थडे है, तो कल हम जा रहे हैं शाहपुर, शाहपुर गुरुद्वारे जा रहे हैं। तो उसने बोला कि इतना दूर गाड़ी लेके जाना तो धुलवा देता हूँ, है ना। तो 20 रुपये है ना जेब में धुलवाने के लिए, 2 लाख है। अल्लाह 2 लाख है, मतलब अभी अगली बार का गाड़ी गंदी हुई ना तो उसको भाई वॉश नहीं करवाएगा, सीधा न्यू गाड़ी निकालेगा। तो ठीक है भाई लोग, आ गया घर पे। अभी आप लोग मेरा थोड़ा चेहरा देख सकते हो भाई, अभी थोड़ा इंसान लग रहा हूँ, नहीं तो भाई बाहर जो है घूम घूम के पूरी मिट्टी चपक गई थी मुंह पे, मुंह पूरा काला सांवला हो गया था। तो ठीक है भाई लोग, आ गया मैं घर पे, मेरा जो कार का बचा कुचा रिमेनिंग काम था भाई वो हो गया, और अभी कार जो है भाई मेरी एकदम सेक्सी चल रही है भाई, मस्त चल रही है, मज़ा क्या आ रहा है, मज़ा आ रहा है अभी कार चलाने में। और जिस तरीके से मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि सिर्फ 5 का एवरेज दे रही है, तो घर जाते जाते ही दोस्तों वो 5 से 6 हो गया था, अभी धीरे धीरे इंक्रीज होएगा एवरेज, मतलब कि एवरेज ज़्यादा दे रही है वो MID में अभी शो करना बाकी है, थोड़ा लेट दिखाएगा। अभी उम्मीद करता हूँ कि 11-12 की एवरेज दे, अगर अभी 11-12 का एवरेज देगा ना भाई तो बहुत ही अच्छी बात है भाई, भगवान जी उसके अलावा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी 10-12 की एवरेज दे दे। इतने टाइम से 6-7 की दे रही थी क्योंकि ये प्रॉब्लम था और मेरे को भी नहीं पता चला कि ऐसा प्रॉब्लम है। बाकी दोस्तों दिन जो है आपका आज का जो दिन है वो मज़ेदार भी गया, थोड़ा सा थकावट वाला गया। जैसे ही मैं अपनी कार सर्विस कराने लेके गया, उसके बाद मैं घर आया, फिर मैंने अपने दोस्त को ड्रॉप किया जो मेरे साथ चला था सर्विस सेंटर। जैसे ही वहाँ से आया फिर उसके बाद मेरी मम्मी बोली कि मेरे को मार्केट छोड़ गया, फिर मम्मी को मार्केट छोड़ने गया, उसके बाद ट्यूशन गया। जैसे ही ट्यूशन से आया मेरे दोस्त का फ़ोन आया, तुरंत ट्यूशन से मैं घर आया, मेरे दोस्त का फ़ोन आया, बोला कि भाई यहाँ पे मेरी गाड़ी बंद हो गई है, पेट्रोल ख़त्म हो गया है। तो उसके गाड़ी के दोस्त के गाड़ी को ट्यूशन मारने गया भाई पैर से, आप लोगों को पता लगेगा कैसे ट्यूशन मारते हैं। अभी आया हूँ, थोड़ा चना वीना खाया मैंने, मतलब कि सलाद खाया मैंने, अभी बस जिम जाने वाला हूँ, थोड़ा अपना 15-20 मिनट आराम से बैठूँ फिर जिम जाऊँगा। उसके बाद जिम से आने के बाद मम्मी को मार्केट से वापस भी लाना है क्योंकि कल है रक्षाबंधन, तो आप सभी को पता है भाई अपना शॉपिंग वॉपिंग तो सब करेंगे ही। तो ठीक है भाई लोग, मिलता हूँ आपको मैं अपने अगले व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह व्लॉग पसंद आया रहेगा, ऐसे ही अमेजिंग एडवेंचरस ट्रैवल मोटो व्लॉगिंग लाइफस्टाइल और डेली व्लॉग्स के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एक चैनल पे आप लोगों को 5 टाइप्स के व्लॉग देखने मिलेंगे, एडवेंचरस ट्रैवल मोटो व्लॉगिंग और अपना लाइफस्टाइल और डेली व्लॉग्स। ओके गाइस, तो ठीक है, मिलते हैं।